चलिए, तो सेक्शन सी में आज डिस्कशन करना है अपने को, सेक्शन सी का है ना। तो आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, C1 फर्स्ट लाइन पैरेलल, तो 4x अपन ने क्या मान ली, टेंजेंट की इक्वेशन, लेट फाइव कांस्टेंट चेंज कर, 2,3 इसका सेंटर है, 3,-2 इसका सेंटर है, तो 3,-2 से इसका डिस्टेंस क्या गया है, इज रेडियस। रेडियस कितनी है इसकी, देखिए 9 + 4, तो रेडियस 5 है, देखिए है ना। इसी प्रकार से क्या, देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आप टेंजेंट की क्वेश्चन क्या मान लेंगे, 12x और फिर ये चीज सर्कल के सेंटर डिस्टेंस रेडियस। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, लाइन की क्वेश्चन क्या मान लेंगे, और फिर देखिए हालांकि इंक्लाइनेड 30 डिग्री टू एक्स एक्सिस है, तो आप सीधा पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन एक्स है ना सीधा भी कर सकते हैं, वाई इज एम एक्स प्लस सी, अपने को एम पता है, तो इसकी है वाई इज एम एक्स, एम आपको नोन है, एम क्या दिया है 1/√3 प्लस माइनस। फिर देखिए C2 क्या है, लाइन विद ग्रेडियंट 2, देखिए तो एक लाइन है ना C2, देखिए इसको थोड़ा देखिए, लाइन की स्लोप 2 है, ठीक है, और वही सर्कल को मीट कर रही है, देखिए तो ये लाइन कहाँ से P1,7 से पास हो रही है ना, और इसकी स्लोप 2 है, ये सर्कल जो है देखिए, इस सर्कल का सेंटर क्या है, -8,-6, तो -8,-6 आप एक लाइन खींच दीजिए, आपसे यही तो पूछा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, आपके पास क्या लाइन जाएगी, x+2y, इसकी स्लोप माइनस हाफ हो गई, +20,0 है ना। अब आपको क्या, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए इनका, या आप सीधे कह सकते हैं देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, पर चलिए अपन ने क्या लिख दिया, तो लिख दिया x+2 × 2x+5, है ना, तो 5x+30,0, तो x क्या आ गया आपके पास -6, तो -6 रख देंगे तो भाई कितना जाएगा, देखिए माइनस, बस अब आपके पास क्या सिचुएशन है, सी निकालना, तो ए और बी आ गए, अब रेडियस, ये रेडियस निकल जाएगी भाई √5, तो सी डिटरमिन हो जाएगा है ना, g² + f² - c, तो g² क्या है 64 - c इज, उसी कितना आ गया आपके पास 95 है ना, जी एफ ए बी सी तीनों आ गया, अब डिटरमिन कर लेंगे। C3 क्या है, शो दैट द टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तब देखिए 9,0 से जब आप टेंजेंट खींचेंगे, देखिए सर्कल है ये, सर्कल का सेंटर क्या दे रखा है आपको 0,0, रेडियस क्या है सर्कल की 4, ये टेंजेंट खींच पा रहे हैं आप देखिए है ना, तो 9,0 है ये, मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 9,0, 0,0,
रेडियस 4। तो आपको पता है, देखिए ये लेंथ आप निकाल सकते हैं आसानी से, 81 - √65 है ना, और ये एंगल थीटा, टेन थीटा अपन ने कई बार देखा, देखिए ये थीटा बाय 2 है कह लीजिए यहाँ पर, तो टेन थीटा बाय 2 4 by √65 है ना। टेंजेंट की इक्वेशन देखिए, स्लोप आपको दिख रही है, देखिए ना, तो इसलिए समझा दें क्या कहें, स्लोप आपको नोन है, देखिए यही तो स्लोप होगी इसकी, देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई इंटू x - 9 और टेन टू थीटा एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। ठीक है भाई, C4 देखिए, C4 में अपन क्या लिखते हैं, देखिए फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अपन ने क्या पढ़ा था, देखिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, आर इंटू एल, आर आप जानते हैं √S1 है। ठीक है भाई, C5 क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एफ कॉमा जी टू द सर्कल बी 4 टाइम्स लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो एफ कॉमा जी से पहले सर्कल पर खींचेंगे तो क्या आएगा, C5 √F² + G² -4 / √ दूसरा सर्कल क्या है, x² + y² F² इफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एफ टू दिस सर्कल इज बी 4 टाइम्स दिस इज 4 है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप इसको स्क्वायर करके डिटरमिन कर लेंगे है ना। तो पार्ट वन में अपने ये हो गई, अब पार्ट टू में भी अपन देख सकते हैं, देखिए इसमें सिंपलिस्टिक क्वेश्चन ही होंगे। है ना, तो पार्ट टू में अपन देखे, देखिए तो C1 क्या है, द टेंजेंट लाइंस टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू दिस। तो फिर देखिए 4x + 3y + c मान लेंगे, सर्कल के सेंटर्स डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर देंगे है ना, इट इज कट प्रोबेबली 3rd 4th टाइम टुडे। फिर C2 टेंजेंट, हाँ तो इसमें 1, -2 पे टेंजेंट क्या आएगी, x x1 + y y1 इज r² तो x - 2y इज इक्वल टू 5। अब ये दूसरे सर्कल की भी ऑल्सो टचेस द सर्कल x² + y, तो दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, देखिए 4, -3 है ना, 4, तो 4, -3 से, या तो आप जैसे मैंने आपको बताया था इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल के फुट निकाल लीजिए, आपसे कह रहे हैं या फिर इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए 2x + y 8, इसको सॉल्व करके x और y निकाल लीजिए। ठीक है भाई, है ना, तो आइदर वेज देखिए, या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, C2 हो गया। C3 क्या है, PAB इक्विलेटरल हो गया, तो आप समझ रहे हैं, देखिए आपको मैंने कई बार बताया था, देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल आता है
लोकस में, है ना? इसको वो इक्विलेटरल कह रहे हैं, यानी टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये आर है, ये है आर कोसेक 30 डिग्री, यानी 2 आर। लोकस क्या गया, आर स्क्वायर कितना है बेटा, आर कितना है इसका, 2। ठीक है भाई, तो ये है C3। C4 क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस सर्कल। तो फिर देखिए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स लिख देंगे, टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स, या वाई माइनस एम एक्स इज 0। और सर्कल का सेंटर क्या है, -2, -3, और रेडियस क्या है 2। तो आप देखिए, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस y माइनस एम एक्स, तो -3 है ना। तो ये क्या आगे देखिए, और m की जगह क्या लिख देंगे, देखिए m की जगह लिख दो y बाय x, ठीक है ना बेटा। चलिए फिर देखिए, C5 अलाइन सेगमेंट थ्रू P कट्स अ गिवन सर्कल इन पॉइंट PA। तो आप जानते हैं, देखिए सर्कल में, ये आपने पढ़ा होगा 10th में, देखिए PA इंटू PB इज PT स्क्वायर, ठीक है भाई। अलाइन सेगमेंट फ्रॉम पी, हाँ, रूट ऑफ 16 इंटू 9। C6, C6 क्या है, C6 बी इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल टू द सर्कल। देखिए जाएगा रूट ऑफ +2f(y1)+q, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट एक्स वन वन फर्स्ट सर्कल अप्लाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू जाएगी -p, तो रूट ऑफ क्यू माइनस पी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 1 सेंटर है, तो ये अपन ने क्वेश्चन क्लास में भी किया था, देखिए है ना, कि 2, 1 से जो टेंजेंट्स खींच रहे हैं, इस सर्कल पर, तो इसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन पूछी है, सर्कल विद दिस लाइन सेगमेंट एज डायमीटर और लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स उस पैरामीट्रिक एंगल्स डिफर बाय पाई बाय 3। मेरे ख्याल से ये भी आपको अगर ध्यान हो, तो अपन ने क्या पढ़ा था, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, ए ए कॉस ए के बाय एच इज, अच्छा आपको डिफरेंस दे रखा है ना, तो स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज, है ना, तो ये अपना C8 हो गया, ठीक है भाई। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर 5th लेक्चर ऑफ सर्कल्स, है ना। तो इसमें लास्ट टाइम अपन ने टेंजेंट देखा था, एक थोड़ा सा ट्रिवियल सी केस अपन नॉर्मल भी देख रहे, देखिए नॉर्मल टू अ सर्कल इज अ वेरी सिंपल थिंग, मेरे ख्याल से है ना, कि भाई एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज इट्स नॉर्मल। वैसे तो क्या कहते हैं अपन, नॉर्मल जो है वो टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन, टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जैसे अपन जानते हैं कि रेडियस जो है वो टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है,
व्हेन यू लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज इट्स नॉर्मल। नॉर्मल इसमें बहुत ट्रिवियल सा नोशन होता है, देखिए सर्कल में है ना, जैसे अपन ये कहें कि इफ इफ नॉर्मल टू अ सर्कल इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 एंड इट्स सेंटर इज 1 कॉमा अल्फा है ना, फाइंड अल्फा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ट्रिवियल सी चीज हो गई, इसमें क्या खास बता रही कि ये नॉर्मल है ये है ना, तो नॉर्मल सेंटर्स पास हो रही होगी, खत्म बात। देखिए 3 प्लस 4 अल्फा इज 2, तो अल्फा क्या आ गया -1/4। इसी को अपन जैसे क्वेश्चन और लिख दें ऐसे ही, देखिए ट्रिवियल सा भाई, इफ नॉर्मल्स जैसे लिखिए इफ 3x + 4y - 7 = 0 एंड इज इक्वल टू 0 आर नॉर्मल्स टू अ सर्कल, आर नॉर्मल्स टू अ सर्कल लाइंग सॉरी नॉर्मल्स टू सर्कल हुज रेडियस इज 4, फाइंड इक्वेशन टू दिस सर्कल। मेरे ख्याल से ट्रिवियल सी बात देखिए है ना, इन दोनों ही को अपन सॉल्व कर देंगे, दो लाइंस दे रखी हैं, दोनों नॉर्मल थे, तो सर्कल की दो नॉर्मल्स कहाँ मिलेंगी, सर्कल के सेंटर पर। इनको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका जो आएगा, देखिए यहां पर मान लीजिए अपन कह रहे हैं ये लाइन है 3x + 4y = 7, ये लाइन है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ये जाएगा 1,1 और रेडियस इसी क्या है 4, तो सर्कल लिख लीजिए। वैसे ये नॉर्मल एस सच क्या देखो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि रेडियस अपन पहले से जानते हैं, तो उसकी जितनी सब्सटेंटिव यूटिलिटी है वो अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, देखिए है ना। एक इसमें अपन ये भी देख ले, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी क्या बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कल के केस में क्या देखिए, ज्यादातर चीज अपन ज्योमेट्री से कर लेते हैं, देखिए जैसे कोई बहुत झंडे नहीं गाड़ रहे हैं अपन है ना, सर्कल है भाई, अब क्या देखिए ये एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 1 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट अपन क्या लगे हाथों तो कॉर्ड की इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो आप देखो भाई कॉर्ड की इक्वेशन लिखना है,
मैं आप बताऊँ, देखिए सिंपलिस्टिक है, कोई जरूरी नहीं, पर मेहनत कर दी। कॉर्ड की क्वेश्चन अपन ऐसे लिख देते हैं, ध्यान देखिए कॉर्ड की क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए शुरू में कि दो पॉइंट है, ये देखिए है ना, देखो भाई ये थीटा वन है, जो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे अपन वो इसको बाइसेक्ट करती है, पर पहले से जानते हैं ये एंगल कितना है। ध्यान देखिए आप, ये दोनों कॉर्ड्स के बीच एंगल क्या है, थीटा टू माइनस थीटा वन। तो देखो बेटा ये एंगल क्या है, थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टू, ये एंगल क्या है, थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टू, है ना। तो आप क्या देखिए, बात खत्म। अब आप ध्यान देखिए इसको, तो अपन नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जानते ही, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखना है मेरे को। तो आप देखिए ये एंगल जो है ये क्या हो गया, तो एक्स कॉस अल्फा, ये हमारा अल्फा हो गया, प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या हुआ, सर्कल की रेडियस ए है मान लीजिए, है ना। तो ए कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन बाय है ना। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। कॉर्ड की इक्वेशन भी चले लगे हाथों लिख ली। अब बाकी कोई खास बात नहीं, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट की जहां तक बात है, इस टेंजेंट को अपन जानते हैं भाई, एक्स कॉस थीटा वन प्लस वाई साइन थीटा वन इज ए स्टैंडर्ड सर्कल है ये अपना, है ना, सब क्लियर ही कर रहे हैं, याद करने वाला काम। और दूसरा क्या है, एक्स कॉस थीटा टू प्लस वाई साइन, सॉल्व कर लेंगे मेरे ख्याल, दोनों को सॉल्व करना है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। पी के कोऑर्डिनेट जो है वो आते हैं, देखिए ए ए है ना, ठीक है भाई। अच्छा तो अब जो है ना, अब अपन इस पे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए क्या है कि कई केसेस में क्या होगा, देखिए आपके पास इसको लिटरली यूज करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देखिए है ना। जैसे अपन एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए थीटा वन एंड बी थीटा टू टू अ स्टैंडर्ड सर्कल। फिर भी लिख इक्वेशन भी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इफ फर्स्ट थीटा वन प्लस थीटा टू इज 2π/3 और सेकंड अपन दे देते हैं भाई थीटा टू माइनस थीटा वन इज 2π/3। एक बार सम कांस्टेंट कर देंगे डिफरेंस। अब देखिए अपन जानते हैं ये अपन ने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, तो ये हमारा H है और ये हमारा P
फर्स्ट केस में क्या है, देखिए सम कांस्टेंट यानी कॉस मतलब थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू को एलिमिनेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ जा रहा है आसानी से, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। है ना, तो लोकस क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू एक्स रूट। इधर क्या है, डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट यानी इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट कॉस साइन है, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, है ना, स्क्वायर एंड एड, यहां पर ने क्या किया था डिवाइड, तो क्या आ गया एच स्क्वायर इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर और सेक पाई बाय सिक्स हो गया है, तो 4a² / 3। अब जैसे मान लीजिए आपको ये याद नहीं है, ऐसे कोई अपने विकट परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती, देखिए फर्स्ट केस में क्या है, देखिए फर्स्ट केस का फिगर देखिए, ऐसे देखिए ऐसे बन रहा है सर्कल है, ये अपन ने टेंजेंट खींच, ठीक, अब अपन ये कह रहे हैं देखिए थीटा वन प्लस थीटा टू कॉन्स्टेंट, ध्यान से देखना आप, है ना, ये एंगल कॉन्स्टेंट, ये एंगल है ना, और ये 90 डिग्री है भैया, ये देखिए ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है आप समझ रहे होंगे, ये 90 डिग्री का तो यूज आया नहीं, देखिए अरे यार ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट एच कॉमा के है इसको और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन, यहाँ पर सेंटर ये है ना, क्या है एक्स एक्सिस से फिक्स्ड एंगल बना रही है, तो लाइन की इक्वेशन कोई वाई इज इक्वल टू एम एक्स वेयर एम इज टेन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, यही आया है देखिए आंसर आपका, है ना, तो ऐसा कोई विशेष अपन ने फॉर्मूला याद है तो याद है, नहीं तो ये अपना इतना दिमाग चले। सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस कांस्टेंट है, चलिए एक नया फिगर बना लेते हैं, डिफरेंस कांस्टेंट है तो क्या हो रहा है देखिए, है ना, तो डिफरेंस कांस्टेंट तो क्या हो गया देखिए, ये एंगल कांस्टेंट हो गया, है ना, देख रहे ना ये एंगल थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टू होता है, डायग्राम साफ साफ रहा इसलिए मैंने नहीं लिखा, ये ए है, ये अपन देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया ए सेक थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू, ठीक है ना, बस हो गया आपका काम, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा वन माइनस थीटा टू बाय, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई, तो ये है ना, तो ये दोनों बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थे, नॉर्मल यार है ना, पर होते हैं तो अपन ने उनको एक बार देख लिया, तो अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई, तो अपन क्या अब आगे बढ़ते हैं, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो थोड़ा और फॉर्मली पढ़े अपन, उस समय मैंने बताया था आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है ना, क्या होती है, देखिए अपन ने क्या देखा था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अपन सर्कल पर दो टेंजेंट्स खींच रहे हैं,
तो उन दोनों टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनको जोड़ने वाली जो कॉर्ड है, इसको टू बी मोर प्रिसाइज अपन क्या करिए, पॉइंट पी है, तो हम कहते हैं दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट है ना, ये है अपनी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब इसकी इक्वेशन की जहां तक बात है, देखिए तो अपन क्या जैसे स्टैंडर्ड सर्कल के लिए कर लेते हैं, फिर जनरलाइज भी कर लेंगे कि यदि यह पॉइंट मान लीजिए अल्फा बीटा है, ये पॉइंट बी गामा डेल्टा है, और पी पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन। तो अब आप देखिए, अगर यह सर्कल लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए कर लेते हैं डिड्यूस, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। तो अब आप देखिए क्या है, तो अपन ये देखिए इसकी इक्वेशन, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हुई, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस टेंजेंट की क्या इक्वेशन हुई, एक्स गामा ये दोनों टेंजेंट्स कहाँ मिल रही हैं, एक्स वन कॉमा वाई वन पर है ना, तो एक्स वन वाई वन दोनों अप्लाई करता है। देखिए एक्स वन वाई वन लाइज ऑन बोथ ऑफ देम है ना, दोनों अप्लाई करते हैं, टेंजेंट है ये, तो अपन क्या करेंगे देखिए, और एक्स वन गामा ठीक, तो आप देख लीजिए भाई ये क्या है। अब आपने को क्या देखिए, बहुत ध्यान देखिए, अपने को एक ऐसी लाइन लिखना है जो अल्फा बीटा से पास होती है, गामा डेल्टा से पास होती है। अब आप देखो बहुत ध्यान से, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अल्फा बीटा इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, गामा डेल्टा भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये इक्वेशन है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या कहा था, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। जनरलाइज कर देंगे तो जैसा आपको पहले बताया, देखिए एक्स की जगह एक्स प्लस जी हो जाएगा, एक्स वन की जगह एक्स वन प्लस जी है ना, तो जनरल में भी यही आना है देखिए है ना, इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्स वन कॉमा वाई वन क्या है, टी क्या आएगा भाई, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है ना, तो वही बात है देखिए, टी बराबर जीरो, इसलिए अपन कह रहे थे कि इन एक्सप्रेशंस की यूटिलिटी है, स्पेसिफिक यूटिलिटी क्या है कि हर 2 डिग्री कर्व में चलेगा, आगे जाके आप पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला पढ़ेंगे उनके लिए भी यही चलेगा है ना। तो मुद्दे की बात यही है बेटा कि
अपने को बार बार ये आएगा, हर 2D हर कोनिक में, सर्कल को भी अगर पार्ट ऑफ द कोनिक माने, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की क्वेश्चन बन देखेंगे कि इट विल टर्न आउट टू बी टी इज इक्वल टू 0, है ना। बाकी देखिए एकदम हर कोनिक में ये क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी 2 डिग्री कर्व पढ़ेंगे ये क्वेश्चन आएगा। देखिए तो करने का जो तरीका है, अब अपन थोड़ा एल्जेब्राइक काम करेंगे, यही होगा, है ना। अभी देखिए सर्कल में क्या है, रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन हैंडल्ड यूजिंग ज्योमेट्री। जो एल्जेब्राइक वेज है देखिए उन पे भी स्पेसिफिक फोकस रखिए, क्योंकि वो जनरल है। जब भी आप 2 डिग्री कर्व से डील करेंगे तो हो सकता है कि वो तरीके आपको काम आए। जैसे अपन सबसे सिंपल कहें देखिए कि लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 मीट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एट पी एंड क्यू। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, है ना। तो आप देखिए इसमें क्या है, आप समझें ये फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या देखिए, ये पी एक्स वन कॉमा वाई वन है ना। तो जो अपन ने माना है, मान लीजिए पी एक्स वन कॉमा, जहां पे ये सॉरी पी क्यू दे रखा है टेंजेंट सेट पी, तो आप क्या करो इसको ए बी लिख दो यार, है ना, कि अपन मिटाएं यहाँ पर ए और इसको बी लिख दो। नोटेशन तो इनसिग्निफिकेंट है देखिए, पर चलिए वहां फिगर बना हुआ है इसलिए मैंने सोचा कि इधर अपन ए बी लिख रहे हैं। तो अब आप देखिए क्या है कि भाई ये जो लाइन है देखिए, ये लाइन इसकी इक्वेशन क्या आई, क्योंकि यहां पर ए और बी की टेंजेंट्स पी पे मिलती हैं, तो दिस लाइन ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी। सो इसकी इक्वेशन अपन ने क्या पढ़ी, टी इज इक्वल टू 0। बट ए और बी कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर ये लाइन इसको मिल रही है, यानी ए बी की इक्वेशन क्या है, तो एक्स वन बाय थ्री दोनों लाइन आइडेंटिकल है इस 3/4। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, नाइन बाय फोर कॉमा, है ना। तो ये हमेशा क्या देखिए आपके पास ये सिचुएशन आएगी देखिए, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं देखिए, है ना। तो इसमें अपन क्या देखिए ये लिखें, है ना, कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन, लिखे क्वेश्चन टेंजेंट्स। अच्छा एक बात मैं बता दूं, देखिए ये जो क्वेश्चन है देखिए
ये सर्कल के केस में अपन ने ऐसे किया, जब अपन पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, सब में यही क्वेश्चन आएगा और सब में करने का तरीका यही होगा। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे, गिवन लाइन लिखेंगे, कंपेयर कर देंगे। खैर अभी तो देखिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन टू एक्स प्लस वाई इज 8। शो दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दीज टेंजेंट्स पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फाइंड दैट फिक्स्ड। ये लिख रहे हैं अपन, है ना। तो अब आप देखिए क्या है, ये भाई एक सर्कल दिया है आपको, है ना। तो सर्कल में क्या है, ये तो पिछला क्वेश्चन है अपना, है ना। सर्कल है आपके पास, इस पे क्या देखिए, और एक लाइन दे रखी है। अब ये लाइन इसको कट कर दी कि नहीं, वो इनसिग्निफिकेंट बात है ना। आपने से क्या कहा जा रहा है कि इस लाइन के पॉइंट से इस सर्कल पर अपन ने टेंजेंट खींची, है ये पॉइंट पी है मान लीजिए, है ना। ये पॉइंट पी किस पे लाई कर रहा है, 2x + y = 8 पर। है ना। अब वो कह रहे हैं कि जो इसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन रही है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी, ऐसा बताओ आप, है ना। अब ऐसे तो अलग अलग पी ले लेंगे, तो अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे। तो ये मान लीजिए अगेन अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक। तो फिर अपन क्या कह रहे हैं, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी। ये क्या होगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और इसकी इक्वेशन क्या आएगी देखिए, हाँ देखिए इसकी इक्वेशन अपन लिखे तो क्या आएगी। हाँ ये सर्कल की ये इक्वेशन है, क्या आएगी भाई, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इज इक्वल टू 16। और हम क्या जानते हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8, है ना। तो क्या आगे देखिए, एक्स अल्फा बीटा कितना है आपके पास, 8 - 2 अल्फा, तो क्या आ गया आपके पास, देखो भाई 8 और ये मेरे ख्याल से अपन समझ रहे हैं, ये क्या है, L1 + α L2 = 0, ठीक। तो अपने पास क्या देखिए, देयर फोर वॉट वी कैन वेरी सेफली से, वी कैन वेरी सेफली कमेंट दैट ऑल द कॉर्ड्स दैट वी आर ड्रॉइंग विल पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स y = 2 and x = 2y, so the corresponding
फिक्स्ड पॉइंट इज 4, 2. ऑल दीज पॉइंट्स, सॉरी, ऑल दीज कॉर्ड्स विल पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट 4, 2. अब देखिए इस पे क्या और क्वेश्चन क्या आएगा अपने पास, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है देखिए, कि अपने को ये दिया हो, देखिए चलिए इसमें फिर एक चीज अपन और देख लेंगे, है ना, कि भाई एक सर्कल आपको ये दे रखा है, मान लीजिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 = 0, एक सर्कल ये है, ठीक है, अपन कह रहे हैं दीज टू मीट एट ए एंड बी, ए और बी मिल गए, है ना। अब अपन क्या कह रहे हैं, देखिए ये सी वन है मान लीजिए, ये मान लीजिए सी टू, तो अपन क्या कह रहे हैं टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सी वन एट ए एंड बी, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ These tangents. है ना, तो अब आप देखो भाई क्या स्थिति है। देखो भाई ऐसा है, दो सर्कल दिए हैं, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल भी कुछ ही बना दो, चलिए अलग कलर से बना देते हैं, वो सेंटर वेंटर पास कर रहा है, उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, है ना। फिर वो कह रहे हैं भैया कि आप मान लो अपना इस सर्कल का नाम सी वन है, इसका सी टू है, तो सी वन पे अब आप टेंजेंट खींच लो, ए बी नाम है, तो ये पी पॉइंट पर मिल रही है, ये निकालना है। तो फिर देखो भाई आप समझो यार, है ना, अपने को ये लाइन निकालना है। अब देखो इन दोनों सर्कल की इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, क्या आ गया देखिए 6x प्लस 4y = 2। अब ये क्या बता रहा है देखिए, अब अगर आप समझें तो देखो भाई क्या है, जब अपन इन दोनों सर्कल्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो होता क्या है, इनफैक्ट कॉमन रूट से आप ये पढ़ रहे हैं, जैसे दो इक्वेशन ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है कि जो नई इक्वेशन बनती है ना, नई इक्वेशन जैसे दो क्वाड्रेटिक अपन ऐड कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो नई क्वाड्रेटिक बनी है उस क्वाड्रेटिक में क्या खास बात होती है कि इफ द two equations have a common root, then the new equation will also have that as a common root, है ना? तो हम ये क्या कह रहे हैं कि इनको add करने से, subtract करने से, इसको two से multiply करके जोड़ दो, इसको घटा दो, आपके पास क्या जो भी नया curve आएगा वो ऐसा curve होगा जो इन दोनों के सभी points of intersection pass करेगा, समझने की बात ऐसा है। देखिए एलजेब्रा के लिए देखेंगे तो क्या है, पहला कर्व है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज जीरो, दूसरा कर्व है जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज जीरो, तो हम ये कह रहे हैं अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस बीटा टाइम्स जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये एक नया कर्व है,
जैसे आप देखिए ये कहते हो ना एल वन प्लस लैम्डा एल टू, तो अल्फा एल वन प्लस बीटा एल टू रिप्रेजेंट्स अ कर्व विच इंसिडेंटली हियर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल वन एंड एल टू, बट वी से पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिकॉज टू लाइन्स मीट ओनली एट अ पॉइंट। अब आप समझदार हैं, देखिए अगर ये पी कॉमा क्यू कोई पॉइंट है जो दोनों कर्व पर लाई कर रहा है, मान लीजिए पी कॉमा क्यू है, तो इसमें जब एक्स को पी वाई को क्यू रखेंगे तो अल्फा और बीटा कुछ भी ले लीजिए, ये दोनों जीरो ही आएंगे क्योंकि एफ ऑफ पी कॉमा क्यू जी ऑफ पी कॉमा क्यू जीरो है। तो ये जो नया कर्व आपने बनाया है ये इनके कॉमन पॉइंट से जरूर गुजरता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको घटा दिया हमने। हमको क्या है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन चाहिए थी, घटाने से क्या हुआ, एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया इंसिडेंटली कह लीजिए, या आपने इतनी समझदारी थी, घटाने से एक लाइन आ गई। आप ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन आई है अल्फा को वन बीटा को माइनस वन रखने से, ये जो लाइन आई है ये इन दोनों सर्कल्स के सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास करेगी, तो दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है, तो इसलिए, और ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, इसलिए द इक्वेशन वी हैव गॉट मस्ट बी द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, है ना। बाकी आप समझ सकते हैं, देखिए अब फिर देखिए वी आर अगेन डूइंग इट फॉर द प्रोबेबली थर्ड फोर्थ टाइम, दैट इफ दीज टू मीट एट एक्स वन कॉमा वाई वन, है ना, तो क्या हो गया, एक्स वन कॉमा वाई वन मिलते हैं तो इसकी इक्वेशन ए बी की इक्वेशन क्या लिख देंगे, एक्स एक्स वन वाई वाई वन इज इक्वल टू, बस तो इसको कंपेयर कर लीजिए। सिक्स कॉमा एट, गुड यार, इनफैक्ट 6.8 इस पे शायद लाई करता है ना, बढ़िया है, देखिए ये पॉइंट आ गई, ठीक है ना। तो अपन ठीक है भाई, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की बात हुई, अब आगे जो है अपन कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट देखते। कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट, सर्कल के केस में देखिए अगेन ये बहुत भारी काम नहीं है, समझ रहे होंगे आप, देखिए है ना, सर्कल है मान लीजिए, तो ऐसी कॉर्ड जिसका मिडिल पॉइंट अपने को पता है एक्स वन कॉमा है ना, जैसे अगर आपको लगे जनरल सर्कल ले लीजिए, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, तो देखिए सिंपल है, देखिए टेंजेंट अपन लिखे थे, एक ऐसी कॉर्ड जिसका मिडिल पॉइंट जी कॉमा एफ है, टेंजेंट भी यही था, देखिए ना एक ऐसी लाइन, टेंजेंट में क्या था, मिडिल पॉइंट ए और बी पी कोइंसाइड कर जाते थे, यही कह लीजिए, तो आपके पास क्या सिचुएशन आ गई, देखिए अगर ये सर्कल एस बराबर जीरो है, एस क्या है ना, आई थिंक वी आर राइटिंग इट फॉर द एनथ टाइम एंड देयरफॉर ध्यान रहना चाहिए। अभी इसमें देखिए कोई खास बात नहीं, देखो भाई इसकी इक्वेशन क्या आएगी, वाई माइनस वाई वन इज माइनस टाइम्स क्या आ गया भाई, देखो एक्स वन प्लस जी टू एक्स माइनस एक्स वन है ना, ये क्या आ गया, देखो आप ध्यान से देख लो भाई, वाई वाई वन प्लस एफ वाई माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस एफ वाई वन ठीक इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स एक्स वन तो आप देख लीजिए क्या है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन
प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू क्या गया? अब इसमें क्या होता है, लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मलाइजेशन में लाने के लिए, आपको याद है टी क्या होता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन, तो इसमें क्या होता है लोग ऐसे कर लेते हैं, देखिए जी एक्स वन जोड़ा, एफ वाई वन जोड़ा और सी जोड़ा, तो ये क्या गया? है ना? तो मेरे ख्याल से इसको आप जानते होंगे, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है टी, और ये क्या है एस वन, तो इसकी इक्वेशन लिखी जाती है टी इज इक्वल टू एस वन। मैंने सोचा चलो एक बार तो जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करके बता दूं मैं आपको। वैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्लिक करते थे, और फिर वही चीज़ एक्स गए एक्स प्लस जी और वाई की जगह वाई प्लस एफ, तो भी ये प्रोसीड अपन इजिली अकॉर्डिंगली कर सकते थे। पर चलिए उधर अपन ने क्या स्टैंडर्ड के लिए गया था, देर जनरल के लिए कर दिया, सॉरी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी लेंथ जो है देखिए है ना, लेंथ आप निकाल लो इस कॉर्ड ऑफ विद गिवन मिडिल पॉइंट की, तो क्या आएगा टू और रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस दिस। तो आर स्क्वायर क्या है, माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना आ गया ये, क्या गया ए बी इज टू रूट माइनस एस वन। माइनस से घबराना नहीं है, आप जानते नहीं कि इट इज अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, सो एस वन हैज टू बी नेगेटिव। एक बात और चलिए अब लिख रहे हैं तो ये भी लिख देते हैं कि इस पॉइंट से सर्कल की बहुत सारी कॉर्ड्स पास करेंगे, देखिए ये है ना, तो देखिए ऑल अदर कॉर्ड्स विच पास थ्रू दिस पॉइंट दे विल बी नियरर टू सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, नजदीक होंगे, देखिए सबसे ज्यादा दूर यही कॉर्ड है, देखिए वो सारी कॉर्ड्स जो इस पॉइंट से पास कर रही, तो अपन क्या कह सकते हैं, देखिए जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से जो दूर होगी उसकी लेंथ कम होगी, देखिए समझ रहे हैं आप, सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है डायमीटर, जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ ऑल द कॉर्ड्स दैट पास थ्रू, ये ओ कैपिटल लिख दें, दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इनसाइड अ सर्कल शॉर्टेस्ट कॉर्ड इज द कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज द गिवन पॉइंट। बस एक पॉइंट है नोट करने के लिए कि वो सारी कॉर्ड्स
जो किसी इंटीरियर पॉइंट से पास करती हैं, टेंथ में पढ़ा होगा आपने फिर भी, तो वो जो सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी होगी, वो कॉर्ड होगी जिसका मिडिल पॉइंट गिवन पॉइंट, ठीक है ना। बाकी अलजेब्रिक के लिए तो टी बराबर एस वन ही यूज करना है, देखिए है ना। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस कर लें, है ना। तो कुछ तो क्या, देखिए प्योर ज्योमेट्रिकल इन नेचर हो जाएंगे, है ना, जिसमें क्या है, ये अपने को इक्वेशन की पर से जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ का अपन इसकी यूटिलिटी भी होगी। जैसे अपन ये कहें, देखिए कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ठीक है भाई। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं सर्कल का सेंटर क्या है, 1,1। क्यों भाई, तो 1,1 से इस पे परपेंडिकुलर डाल, जो मिड पॉइंट होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या सॉल्व करें, तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। ये लाइन लिख लो, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा लो, या फिर अपना इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन को लिख के सॉल्व कर लिए, दोनों ही बातें एक ही है, देखिए। प्रोसेस में अपन वाइबल क्वेश्चन करें तो ये है कि भाई फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस, है ना, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड 2x + y इज इक्वल टू 4 ऑफ द सर्कल। अच्छा ये तो पर्टिकुलर कॉर्ड ही हो गई, की तो बताई दिया आपको, है ना। अब अपन इसमें आगे बढ़े, देखिए तो अपन ऐसे लिखिए, जैसे लिखिए फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सी विच एनक्लोज, या सबटेंड विल बी अ बेटर वर्ड, है ना, विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सरकमफेरेंस। ये भी देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। तो गोला बना लिया मस्त, है ना। इसमें देखिए हर जगह क्या है, इक्वेशन लिख लिख के हल्ला नहीं बजाना चाहिए, सरकमफेरेंस पे 60 डिग्री, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, सभी लोग जानते हैं। तो ये आधा एंगल 60 डिग्री, ये पॉइंट क्या है भैया, सेंटर क्या है इसका, 1,1। रेडियस क्या है इसकी, 1,1,7, तो 3, तो ये कितना आ गया, 3 cos 63/2, यानी वो कॉर्ड जो सर्कमफेरेंस पे 60 डिग्री सबटेंड करती थी, वो कॉर्ड जो सर्कमफेरेंस पे 60 डिग्री सबटेंड करती थी, है ना, उसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर कॉस थीटा,
तो इफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सर्कमफेरेंस देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट विल बी क्या रहेगा, देखिए अ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्कल एंड हुज रेडियस इज आर कॉस थीटा। तो अपना क्वेश्चन ये है देखिए ना भाई कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 फ्रॉम पॉइंट्स ऑन दिस लाइन फाइंड द स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिए है ना। तो आप क्या करें देखिए ये सर्कल है जिस पे आपने किसी लाइन से टेंजेंट्स खींची हैं है ना। अब देखिए ध्यान से है ना कि ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं एच कॉमा के, ये क्या है एच कॉमा इसका लोकस। तो अब आप समझ सकते हैं देखिए ये जो लाइन आप खींच रहे हो एक तो क्या है ये, एक तो इट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा, दूसरा इट इज अ लाइन हुज मिड पॉइंट इज एच कॉमा के। ठीक है भाई, तो क्या हो गया देखिए इसकी इक्वेशन अपन क्या यहां देख लीजिए, ये सर्कल की इक्वेशन है तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक तो अपन एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इज 4 और दूसरा 2x प्लस 4y इज 9 है। तो सॉरी इसकी जरूरत ही नहीं है एच कॉमा के है तो एच एक्स प्लस टी बराबर s1, 4 4 दोनों तरफ से कट गया, इनको कंपेयर कर लीजिए दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है, एक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है अल्फा कॉमा बीटा से खींची गई टेंजेंट सी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, सेकेंडली एच कॉमा के को मिड पॉइंट मानते हुए खींची गई है, कंपेयर कर लीजिए अल्फा बाय एच इज बीटा बाय के इज 4 अपॉन, तो अल्फा बीटा लिख दिए क्या गया भाई अल्फा 4h बीटा क्या गया है बस, और इसको सेटिस्फाई करेगा 2 अल्फा तो 8x प्लस 9 x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ये आ गया आपके पास है ना। और एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, चलिए जैसे लिखिए फाइंड फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स विच सबटेंड राइट एंगल एट अ गिवन पॉइंट पी कॉमा क्यू इन साइड द सर्कल एस इज इक्वल टू 0, जनरल सर्कल ले लेते हैं है ना। तो ये सर्कल बनाया आपने देखिए, आपकी जो कॉर्ड है वो किसी पॉइंट पी कॉमा क्यू पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है।
जनरल सर्कल ले लेते हैं जैसा आपको मैंने बताया। तो आप समझ रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, सीधा देखिए ध्यान से, ये है एच कॉमा के, है ना। तो अपने पास क्या है, देखिए ये आर है, अगर तो आर स्क्वायर क्या है, एल एम, सॉरी एल एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। और एल एम स्क्वायर को देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ए एम स्क्वायर, इतना आप समझ रहे होंगे। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट, तो एल एम को ए एम लिखे, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, लोकस आ गया। तो ये अपना आज के लेक्चर हुआ, देखिए जिसमें अपन ने क्या, देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ कॉर्ड विद गियर मिडिल पॉइंट, दो चीज पढ़ी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और कॉर्ड विद गियर मिडिल पॉइंट का जो एल्जेब्रिक पार्ट है, देखिए ये हर कोनिक में लगभग यही रहेगा, लगभग भी क्या कहना चाहिए, ये ही रहेगा कह सकते हैं अपन, जो ज्योमेट्रिकल, जैसे ये ज्योमेट्री है, जो ये ज्योमेट्री का पार्ट, जो कुछ क्वेश्चन अपन ने ज्योमेट्री को यूज करते हुए किए, वो जरूर देखिए सर्कल में कन्फाइन रहेंगे। ओके, तो नाउ वील गो फॉर दिस कंप्लीट्स आवर फिफ्थ लेक्चर, वील गो फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आज के लेक्चर का अपना होमवर्क है, देखिए एक्सरसाइज वन में पार्ट वन पार्ट टू जो में सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन देखिए सेक्शन ई, ठीक है भाई, सॉरी सेक्शन ई सेक्शन डी है ना।